कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। इसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के द्वारा लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक वस्तुओं, दूध, मेडिकल स्टोर की दुकानें खुलने की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि बाकी वस्तुओं की आवश्यकता के लिए ऑनलाइन के माध्यम से सप्लाई की जा रही है। उन्होंने कहा बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकले तथा मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने कहा जनता के सहयोग से कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। आगे उन्होंने कहा कि उम्मीद है जनता ऐसे ही सहयोग करती रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा लॉकडाउन में शासन के सभी निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। जीवन के लिए आवश्यक सामग्री जैसे खाद्य सामग्री, दूध है, ब्रेड है और मेडिसिन्स हैं, ये सब मेडिसिन की दुकान तो 24 घंटा खुली रहती है, बाकी सारा ऑनलाइन मंगाए जाने के लिए वेबसाइट पे सब पे नंबर हैं और हर प्रकार से पालन करें। अपने को और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का प्रयोग अवश्य करें और किसी भी सामान को छूने के बाद अपने हाथों को साबुन से 40 सेकंड तक अवश्य धोएं अथवा सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। सबको सुरक्षित रखें। गोरखपुर की जनता ने बेहद सहयोग किया है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का। आगे भी कुछ दिनों तक, जब तक ये लॉकडाउन सरकार कंटिन्यू रखती है, तब तक पूर्ण सहयोग करें। इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। सर, मानव का चलाना जुर्माना जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने में गाड़ियां निकाल रहे हैं बगैर पास के, ई पास शासन ने व्यवस्था कर रखी है, अगर वे हद आवश्यकता है तो ई पास के लिए अप्लाई कर दें, तुरंत मिल जाता है ये पास। और अगर आवश्यकता नहीं है तो वे वजह सड़कों पर निकल के किसी भी नियम का वायलेशन ना करें। ऐसे लोगों का चालान किया जा रहा है और धारा 188 का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है।